कर लेंगे। बिठा लेंगे। बैक पैन दोनों पल्लों को कच्चा कर लेंगे। डोरी हमने बना ली थी तो डोरी इसके गले में लगा देंगे। हम डोरी के चार भाग करेंगे, दो बैक में लगाएंगे और दो फ्रंट में लगाएंगे, साथ में अस्तर से ही पलट देंगे।
बैक और फ्रंट रख के फिर हम निशान लगा लेंगे, 9 इंच ऊपर लगाएंगे और 8 इंच नीचे लगाएंगे। एक साइड खुला छोड़ देंगे अभी, क्योंकि हमें घेरा लगाना है, और साइड मार देंगे। नेट के दोनों पल्ले जोड़ लेंगे, बाद में इसमें हम चुन डाल देंगे। हल्की हल्की चुन डालनी है। अस्तर को नीचे एक पैर से मोड़ देंगे और इसमें भी हल्के हल्के हम चूने डाल देंगे। साथ में दोनों पल्लों को रख के हम सिल लेंगे। ये हमारा कॉटन का अस्तर है, इसमें हम कैनकन लगाएंगे। 4 इंच चौड़ा हमने कैनकन काटा है और तकरीबन 1 मीटर इसकी लंबाई रहेगी। इस कैनकन को जोड़ने के बाद हम कॉटन के अस्तर में अटैच करेंगे, नीचे से 1 या 2 इंच छोड़ के और ऊपर से भी उतना ही छोड़ेंगे हम। कैनकेन लगाते समय हम प्लेट डालना शुरू कर देंगे और प्लेट पूरे में डाल देंगे। ऊपर की चोली में नेट वाला हिस्सा जो अस्तर में लगाया था वो हम अटैच कर देंगे। इसके बाद कॉटन वाला अस्तर जिसमें कैनकेन चिपकाया था वो हिस्सा भी कमर में हम जोड़ देंगे, अंदर से बाहर की साइड, ताकि हमारा अंदर वाला हिस्सा कच्चा ना रहे और किनके भी अंदर चला जाए और कमर का मार्जिन भी अंदर ही चला जाए। इसमें भी हम साइड में सिलाई लगा देंगे और कमर से 1 इंच तक ही लगाएंगे। उसके बाद सारे पल्ले जो हैं वो हम अलग अलग अटैच करेंगे, एक साथ बिल्कुल अटैच नहीं करना है। नेट का पल्ला अलग अटैच होगा, अस्तर का अलग होगा और जो कॉटन वाला अस्तर है उसका अलग होगा।
हमारी फ्रैंक रेडी हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।